जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवा राधा जय yeah.
बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है जय जय राम।
पति राजा राम, सीता के पति राजा राम, तुलसी यमुना साली राम, कृष्ण लला साली राम, तुलसी यमुना साली, तुलसी यमुना साली राम, तुलसी यमुना कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्णा बलराम Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Raghupati Raghava Rajaram. Pati pavan sitaram Raghupati Raghava Rajaram Pati pavan sitaram Raghupati Raghava Rajaram Pati pavan sitaram Raghupati Raghava Rajaram Pati pavan sitaram Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol.
युग धर्मराज हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री राम चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधो व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाण मम प्रेमा पुमरेथो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरे रणरांगधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीराम चंद्रम शरण प्रपद्ये। सिया राम मय सब जग जानो करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी मनुस्वं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठ वातात्मजं वानर्युत मुख्यम श्रीराम दूतं शरणं प्रपदे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जशो चोदायक फलचार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुजे नमः। पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा उपस्थित भगवत कथा अनुरागी परम सौभाग्य से विभूषित
श्री राम नवमी के शुभ उपलक्ष्य पर बैठ करके हम सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा के इस छठे दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। सबसे अंतिम श्लोक क्या है मालूम? सारे भागवत का सार निचोड़ सुखदेव जी गोस्वामी महाराज अंतिम श्लोक में कहते हैं क्या? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणशमणम प्रणामो दुःखशमनहतम तम नमामि हरि परम। क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणशमणम। पूरे भागवत सुना दिया और भागवत सुनाने के बाद क्या कहते हैं कि भागवत सुनने का सार क्या है, निचोड़ क्या है? नाम संकीर्तनस्य, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नाम का नाम संकीर्तन। आज आप सोचते ना कि हमारी हमने कथा ऑर्गेनाइज की और उस कथा की सफलता क्या है? ये है सफलता। देखो आज हम लोग इस कथा की अगर अंतिम अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भगवान की कृपा से इतना सुंदर आज हरिनाम संकीर्तन का अधिवास है। हरि वो कितना कितना सुंदर सौभाग्य है यह कि भगवान का नाम संकीर्तन और इधर भगवान का गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, अद्भुत। भक्तों, कीर्तन तीन प्रकार से होते हैं। कौन से कौन से? नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन और गुण संकीर्तन। नाम संकीर्तन जिसमें भगवान के नाम का कीर्तन हो, गुण संकीर्तन जिसमें भगवान के गुणों के विषय में बताया जाए और लीला संकीर्तन जिसमें भगवान की लीला का गुणगान करे। नाम संकीर्तन जीवन का सार, भागवत का सार यही है। क्या? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का नाम जप करना और दूसरा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति भागवत में तो यहां तक आया है कि कोई व्यक्ति कितनों भी पापी हो लेकिन भगवान का नाम जप करता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग नाम जप नहीं करते। करते कौन करता है बताइए? थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? नहीं जप करते हैं। कितने लोग जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र? कोई नहीं। बहुत अच्छा, दो लोग जप करते हैं, बहुत अच्छा। नाम संकीर्तन से देखिए 18वें 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, यही है हमारे जीवन का सार। संसार के वक्ता आते तो हैं और आकर के कथा करके चले भी जाते हैं, मोटी रकम कर वसूल के भी लेके जाते हैं, लेकिन जो देना चाहिए वो दे करके नहीं जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब ब्रिटिश गए ना, इंग्लैंड गए ना, तो वहां पर जाकर के उन्होंने हरिनाम संकीर्तन आयोजन किया और क्या कहा मालूम है? कह रहे तुम लोग 400 साल भारत में रह करके, इतने साल भारत में रह करके कोहिनूर तो लेते आए लेकिन जो रियल कोहिनूर है ना वह नहीं लेकर के आए। उनसे पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि आप इंग्लैंड क्यों आए? हमने आपके देश पर शासन किया, आप इंग्लैंड क्यों आए? कहते तुमने शासन तो किया, सब कुछ लूट के ले आया लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भूल गए थे, वही वस्तु को लेकर के मैं आया। और वह वस्तु क्या है?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और दूसरा कुछ नहीं केवल हरे कृष्णा महामंत्र। और भक्तों जो हमारे देश को गुलाम बना करके रखे थे ऐसे लोग इस हरिनाम के गुलाम हो गए। और आज आप देखो हमारे मंदिरों में कितने विदेशी लोग नाच रहे हैं हरिनाम संकीर्तन में, नाच रहे हैं कैसे, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। ये हरिनाम की महिमा है, हरिनाम की महिमा है। तो हम लोग भी जप करते हैं और देखिए हमारे साथ आपके जैसे कई सारे लोग जप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं और जो गप भी करते हैं। गप नहीं करना है, सुनिए। भगवान का नाम जप करना ही जीवन का सार है। हमें चाहिए कि हम कम से कम सवेरे और शाम थोड़ा देर तो भगवान को समय दें। और नाम जप करने के लिए कुछ लोग कहते हैं, कह रहे हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं। पूछो कब लेते हो, तो मन में लेते रहते हैं। अब मन में क्या लेता है वो तो वही जानता होगा और हमारे कृष्ण जानते होंगे। मन में तू क्या करता है तो कृष्ण ही जानते हैं। मन में नहीं, शास्त्रों में आया किस पर नाम लेना है, माला के ऊपर, माला के ऊपर नाम जप करना। जप करने की भी विधि बड़ी सरल है भक्तों, और कोई नियम भी नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि आप इसको केवल खाकर, मतलब उपवास में ही कर सकते हैं, नहीं, कभी भी कर सकते हैं, खाकर भी कर सकते हैं और बिना खाए भी कर सकते हैं। प्रभु जी ठंडी के दिनों में नहाना पड़ेगा, बिना नहाए भी कर सकते हैं और नहा करके भी कर सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं खाते पीते सोते कभी भी हरिनाम जप करो, कभी भी। लेकिन लेकिन ध्यान रखना चाहिए नाम जप किस पे करना चाहिए, माला के ऊपर। कुछ लोग कहेंगे हम लोग मन में करेंगे नहीं चलेगा, नहीं, मन में कर रहा है मतलब वह तमोगुण है। किसमें है वह? तमोगुणी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन में बंधना नहीं चाह रहा है, भगवान के प्रति झुकाव नहीं हो रहा है उसका। तो उस झुकाव के लिए चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र हम डेली जप करें, है ना? तो हम लोगों ने कुछ माला की व्यवस्था किया है। जो भक्त लोग लेना चाहते हैं वह अपना नाम अभिषेक प्रभु के पास लिखा देंगे और कल अंतिम दिवस में यहाँ पर बुला करके स्टेज पर उनको माला दिया जाएगा। ध्यान रखिए इससे आपकी दीक्षा नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी दीक्षा कर रहे हैं हमारे, मैं दीक्षा देता नहीं हूँ जी, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? आप लोगों को मालूम है पैरासिटामोल किस चीज की दवाई है? बताओ, आप लोग सब एक दूसरे को सजेस्ट किए होंगे, कभी किसी को बुखार आ जाए तो क्या कहते हैं, एक पैरासिटामोल ले लो। आप लोग डॉक्टर हैं क्या? फिर भी कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जीवन में अनुभूति है। क्या है? अनुभूति है। आप जानते हैं कि इससे हमारा उद्धार, हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार मैं जानता हूं कि हमारे जगत के लोग भव बंधन में फंसे हुए हैं और उस भव बंधन से मुक्त हो सकता है। कैसे? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, है ना? और कुछ नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए अपने जीवन में। आप फिर ना, आपको मुझे इसकी महिमा बताने की जरूरत नहीं होगी। अगर फिर से वरुण प्रभु का आदेश हुआ, कृपा हुई, यहाँ पे दोबारा आया तो पता चलेगा। आप लोग ही बता रहे हैं मुझे कि प्रभु जी आप माला दे करके गए, हम जप किए, अद्भुत चेंजिंग है, अद्भुत बदलाव है। हमारे पास लोग आते हैं, जब हम लोग जाते हैं ना तो माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे को भगत बना देगा, साधु बना देगा, मत लेके जाओ, हमारे बच्चे को भक्ति में मत डालो। फिर बच्चे को करा देते हैं एडमिशन इंजीनियरिंग में, इधर उधर करा देते हैं और फिर बच्चा बिगड़ जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाता है कि वह सुसाइड करने चल जाता है और फिर आता है प्रभु जी हमारे बच्चे को बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें हम लोग क्या देते हैं उसको मालूम है? कोई दवाई देते हैं?
कोई दिव्य फल, कुछ प्रसाद, कोई आशीर्वाद नहीं हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास केवल एक चीज है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कुछ भी नहीं है हमारे पास, विचार करिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जो लड़का सुसाइड करने वाला होता है, जो लड़का सब कुछ छोड़ चुका होता है, वह पुनः अपने जीवन में स्थापित हो जाता है केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप कर। अनुभव है अपने जीवन में कितने लोगों को, कितने लोगों को आज भी थोड़ा विलंब हो गया पहुंचते पहुंचते। एक व्यक्ति फोन किया, शेयर मार्केट जान, शेयर मार्केट सुना है ना, पैसा लगाता था, 6 लाख रुपया डूब गया कल शाम को, शाम से ही सुसाइड करने के प्रयास में है। परसों तरसों उसको मना किया, आप लोगों के सामने आया था सेंटर पे, देवघर गया था अपने आश्रम पे, ये लोग भी वहीं थे, वो भी आया था, उसको मना किया, शेयर मार्केट तुम्हें बर्बाद कर देगा, मत लगाओ, पत्नी है बच्चे है उसका ख्याल रखो, भगवान की भक्ति करो। बोला अरे आप नहीं समझोगे, पैसे के बिना कुछ नहीं है। 5-6 लाख रुपया था, आज शाम को ही डुबाया है, पूरी गाड़ी में आ रहा था, उसको ही हैंडल कर रहा था। बचाओ बचाओ, बताओ मैं क्या करूं उसको, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है ना, भक्तों स्वीकार कर लेता है ना, तो वह जीवन में उद्धार कर लेता है। अरे हमें ही देखो, हम में क्या क्वालिटी बताओ, बचपन से संस्कृत पढ़ा नहीं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस, साइंस के बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ो, उसके बाद कैट करो, कैट क्रैक करके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद पास भी कर गए, पास करने के बाद नौकरी भी लग गई, और नौकरी भी लग गई तो बाहर विदेश, भारत में छोड़ो, भारत में भी काम किया, विदेशों में भी जाके काम किया, मलेच्छ के देशों में भी जाके काम किया, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मलिच्छों के देशों में भी जाके काम किया, कई सारे देशों में जाकर के काम किया, लेकिन यह आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, जप किया और भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते गए। और एक व्यक्ति जो एकदम, अब सोचो मलिच्छों के साथ जो नौकरी करता हो, आज वह आपको बैठ करके भागवत कथा सुना रहा है। इसे मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा। आप लोग जरूर जप करिए भगवान का नाम, जरूर जप करिए। सभी से आप 6 दिनों से लगातार मुझसे कथा सुन रहे हैं, और मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि भगवान का नाम जप करिए। और इसका कोई बहुत अधिक चार्जेस भी नहीं है, बहुत अधिक पैसा भी नहीं है, जो भी है ठीक है, अगर आप दे सकें तो ठीक है, नहीं दे सकें तो नाम लिखवा देना, उसका पेमेंट मैं कर दूंगा जी, मैं कर दूंगा अपने पैसे से, लेकिन आप नाम जप जरूर करना, है ना, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को जप करने के लिए माला देते हैं ना, तो वो जितना जप करता है ना, उतना हमें भी मिलती रहता है। इसलिए आपको अगर दिक्कत हो, अगर आप जो लोग देने में समर्थ हैं वो तो जरूर दीजिए, और जो लोग नहीं है वो भी अपना नाम लिखाइए, ठीक है, मैं उसके तरफ से कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, जो लोग नहीं दे रहे उनके सामने मेरा नाम लिखो, लेकिन नाम जप करो, कृपया नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। और इसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं प्रभु जी पंडित बनना पड़ेगा, नहीं, जैसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हरिनाम संकीर्तन आज जो यहाँ पे हो रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ से, किसने किया? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। किसने? श्रीमान चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन? राधा और कृष्ण के मिश्रित स्वरूप।
जब भगवान को भक्त के रूप में भक्त के रस का स्वादन करना होता है, अपनी ही भक्ति को समझना होता है, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपनी भक्ति खुद ही करते हैं। आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु को, देखा ऐसे करके फोटो रखते हैं, ऐसे करके हाथ उठाए हुए कीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। आज से ठीक 534 साल पहले, कितना 536 साल पहले नदिया ग्राम, नदिया जानते हैं आप लोग, बर्धमान जानते हैं, बर्धमान में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर नवद्वीप में मायापुर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। शास्त्रों में भविष्यवाणी थी, नव योगेंद्र महाराज, निमि महाराज नव योगेंद्र महाराज से पूछते हैं कि कलयुग में ऐसा कौन सा मंत्र है जो व्यक्ति का उद्धार, ऐसा कौन सा मंत्र है जो जीवों का उद्धार करेगा। तो नव योगेंद्र महाराज कहते हैं, जब कलयुग में भगवान श्री राधा और कृष्ण के मिश्रित स्वरूप श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आएंगे ना, तो जो मंत्र वह देंगे ना उसी से उद्धार होगा और दूसरा कोई कोई नहीं। भविष्यवाणी सत्वी भक्तों, आज से ठीक 536 साल पहले चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हुए और उन्होंने ही प्रारंभ किया ये जो कीर्तन आज से शुरू होने वाला है ना यहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु, हम उसी संप्रदाय से हैं, हम गौड़ी संप्रदाय से हैं, हमारा और कोई दूसरा मकसद नहीं है, हरिनाम का प्रचार करना ही हमारा मकसद है। शास्त्रों में भविष्यवाणी है, क्या महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आछे ज्योतिर्नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितना नगर है, ग्राम है, हर जगह प्रचार होगा, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। आपके मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी भारत में तो मान सकते हैं, विदेशों में क्या? जाके देखो विदेशों में, शिला प्रभुपाद की कृपा से समस्त विदेशी नाच रहे हैं। पूरे विश्व में 600 से अधिक मंदिर है हमारा, 600 से अधिक मंदिर और लाखों सेंटर आकर के देखो। तो परम सौभाग्य की बात है कि आज से ऐसे भगवान से हरिनाम संकीर्तन यहां प्रारंभ हो रही है। इसी मंत्र का हम कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे हरिनाम संकीर्तन हम लोग भी करते हैं, है ना, है ना, और इसी मंत्र का जप भी किया जा सकता है। मतलब जप करना ही चाहिए, किया जा सकता नहीं, इसी मंत्र का जप ही करना चाहिए, है ना, इसी मंत्र को जब जोड़ जोड़ से सामूहिक रूप में गाते हैं तो कीर्तन हो जाता है, और जब शांत भाव में एक व्यक्ति अकेला अकेला जपता है तो क्या हो जाता है, जप हो जाता है। आप अद्भुत शांति महसूस करेंगे, अद्भुतता का महत्व, और जो भी इच्छाएं है ना, जो भी इच्छाएं हैं, इन शॉर्ट कह रहा हूं मैं, जो भी इच्छाएं लिख लो, सारी इच्छाएं पूरा करने वाला ये हरे कृष्ण महामंत्र कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए इच्छा जो है ना, सोच समझ के करना। तो अब सभी से निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप जरूर करिए, ठीक है, और जो लोग जप करना चाहते हैं आज से ही अपना नाम इनके पास लिखाना शुरू कर दीजिए। हम बहुत कम माला लेकर के आए हैं, लेकिन कल माला और आज आएगी, तो अगर संख्या में पता चलेगा तो हम लोग और माला लेते आएंगे। जरूर आप अपना नाम लिखाइएगा, कथा के बाद प्रभु जी बैठेंगे 15-20 मिनट और आप लोग अपना नाम लिखाइएगा, ठीक है। और भक्तों, हो सकता है कि हम बाहर प्रण लें कि हम चार माला करेंगे, छह माला करेंगे, हो सकता है कि सफल ना हो, लेकिन अगर हम कथा स्थान में, भगवत कथा के पंडाल में, रामायण जी के सामने, भागवत जी के सामने यह प्रण लेंगे ना, तो यह हमें मदद करेंगे पूरे जीवन उस नियम को पालन करने की। और आप जैसे जो कर रहे हो करो, ऐसा नहीं है प्रभु जी हम लोग मांस खाते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, शराब पीते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई जोरी नहीं है छोड़ने का। अब करते रहो, नाम जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, बाद में भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जप करते रहो, कृपया नाम जप जरूर करें। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। नाम संकीर्तन क्या है? सभी पापों का शमन करने वाला है। आइए हम लोग राम कथा की ओर प्रस्थान करें।
बैठ जाइए, आप लोग बैठ के, इतना स्थान तो खाली है, क्यों खड़े होके कष्ट से कथा सुन रहे हैं, बैठ जाइए कथा पंडाल में बैठ जाइए, इस प्रकार से ठीक नहीं है। तो कल हमने कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयंवर सभा में धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटा है, ये सत्य है। धनुष टूटने के साथ ही साथ कुछ सात्विक और कुछ तात्विक शिक्षा हमारे आचार्यों ने, महात्माओं ने क्या कहा कि ये धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक? अहंकार का प्रतीक। और अहंकार को तोड़ना ही होगा। हम बहुत बड़े महान, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े ज्ञानी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ने दिखाया देवी सीता को, भगवान कब मिले? जब अहंकार रूपी धनुष टूट गया। वैसे ही हमारे जीवन में भगवान तब मिलेंगे जब हमारा अहंकार टूटेगा। अब जैसे ही धनुष टूटा, लक्ष्मण जी कूद करके अपने आसन से सीधे जनक जी के आसन पे, और महाराज बता रहे थे कोई वीर नहीं है, देख लिया वीर किसको कहते हैं। और एक एक तो टूट गया, और अगर कोई है तो दो चार लेते आओ, मैं तोड़ देता हूँ, बचे तो ले आओ, देखें कोई दूसरा है। जनक जी ने कहा नहीं लक्ष्मण जी, और कोई दूसरा नहीं। सुने ना, मैं सीता को निर्देशन किया, मैं तो कल हड़बड़ी में आपको तुरंत वरमाला पहनवा दिया भगवान को, लेकिन थोड़ी लीला हुई वहां पर। लीला क्या हुई? सुनेना ने निर्देशन किया, सीते सीते जाओ और जाकर के राम को वरमाला पहना करके आओ। देवी सीता वरमाला पहनने के लिए आई, हाथ में वरमाला लेकर आई है, वरमाला पहनाना चाहती है, लेकिन सीता से भगवान से रामचंद्र का कद लगभग एक फीट ऊपर था, एक फुट ऊंचा, और उसके ऊपर भी डेढ़ फुट का मुकुट, अढ़ाई फुट बड़े हो गए। देवी सीता का हाथ पहुंचे, देवी सीता ने आंखों से इशारा किया भगवान श्री रामचंद्र को, लेकिन अब ये इशारा क्या समझे? ये तो इशारा समझने वाले नहीं है ना। कृष्ण होते तो अब तक 50 बार झुक चुके थे, जल्दी डालो ना, जल्दी डालो, कितना विलंब कर रही हो, जल्दी डालो। लेकिन ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण होते तो अभी तक शादी विवाह करके निकल गए होते। राम है खड़े ब्रज में, कृष्ण बछड़े को चराने जाते हैं, बछड़ा सीधा सीधा चल रहा है, और कृष्ण किसी गोपी को गली में देख लिया तो टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं, कहते हैं बछड़ा बड़ा बिगड़ गया है, बछड़ा बड़ा बिगड़ 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 गया है, और टेढ़ा जाकर के गोपी को देख करके आ जाते हैं। लेकिन ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान बिल्कुल सदे खड़े हैं, समय जा रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है। सखियों ने इशारा किया, अरे आप थोड़ा झुक जाइए ना, हमारे सखी आपको माला पहना है। राम तो सीधे सीधे खड़े हैं, सखियां विश्वामित्र जी के पास, गुरुदेव जरा अपने शिष्य को कहो ना झुक जाए। विश्वामित्र जी ने कहा देखो मेरा काम धनुष तुड़वाने तक का था, टूट गया, अब मेरा काम खत्म, आप देखो आप समझो। सारी सखियां जनक जी के पास, जनक जी कहो ना थोड़ा अपने दामाद को झुक जाए। जनक जी ने कहा देखो सीता धनुष नहीं टूटने तक मेरी थी, अब धनुष टूट गई है तो वो पराई है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुहूर्त जा रहा है, उस समय सभी सखियां लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी तो बिल्कुल उत्साह से बैठे थे, तन के मेरे भाई ने काम किया, ये हुआ ना बात। सखियां कहते हैं लक्ष्मण जी आपके भाई को कहो ना थोड़ा झुक जाए, ताकि हमारी सखी उनको थोड़ा क्लियर करो, बस ट्रेवल हमारी सखी उनको बरमाला पहना सके। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं झुकेंगे, क्यों झुकेंगे? रघुकुल के राजकुमार है, ऐसे झुक जाएंगे, नहीं झुकेंगे। वैसे भी शादी के बाद रोज तो झुकना है, आज क्यों झुकेंगे? आज नहीं झुकेंगे।
तब सखियों ने अंतिम बाण चलाया। लरे अगर आप हमारा काम कर दोगे ना, हम भी आपका काम कर देंगे। बोले क्या? बोले सीता के पीछे उर्मिला बाकी है। बोले अच्छा, अभी इतना आप लोग फोर्स करते हो तो देखता हूँ। चलो 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 जाओ, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर के जाओ, खड़ा हो जाओ, मैं इशारा करूं डाल देना। बोले ठीक है। सभी सखियां अपने अपने पोजीशन लेकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण मने गुरु तत्व परम बुद्धिमान। लक्ष्मण जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र के पास गए और कहा, वाह भैया वाह वाह वाह, क्या काम किया है भैया आपने, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा जो नहीं कर पाए, महाराज भैया आपने एक पल में कर दिया। भैया आज मुझे आपको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है, प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। ऐसा कह करके मानो लक्ष्मण जी लेट गए, दंडवत प्रणाम किए। और वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव कभी किसी का प्रणाम लेते नहीं। जैसे ही भगवान लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, लक्ष्मण जी ने इशारा किया, भाभी डाल दो। सिया जय माल राम उर्मिली, गाव ही छबी अवलोक सहेली। जगत जननी माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाल दी और सभा में सभी लोगों ने क्या कहा? सीताराम तुम्हारी जय जय हो, कीर्तन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक मिनट को रामायण में ऐसा वर्णन किया गया कि जब भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाला गया, उसी समय उस सभा में जितने क्षत्रिय राजा बैठे थे सब लोग एक साथ खड़े हो गए। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र को मारने के लिए। जब तक वरमाला नहीं थी कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। वरमाला आ गई तो दिक्कत हो गई। संसार का नियम है भक्तों, जब तक आप इस संसार में भजन में या संसार में कुछ ना करो तब तक आपका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जैसे ही आप भक्ति में कोई प्रोग्रेस करो, संसार में कोई प्रोग्रेस करो, पांव खींचने वाले हजार आ जाएंगे, गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे अनेकों लोग। और इसमें ना घबराना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, बहुत पुराना है, हजारों लोग आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, अरे वो तो मेरे हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पीछे पड़ा है, आप आगे हो, आप आगे हो और वो पीछे पड़ा है। सारे राजा महाराजा युद्ध करने के लिए दौड़े। उसी समय जब शिव धनुष टूटा तो आवाज तीनों भुवन में चली गई और महेंद्र पर्वत पर अति क्रोधी घोर स्वभाव के जमदग्नि ऋषि के पुत्र कौन? परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के कान में गया, परशुराम जी धड़ाम करके जनकपुर में प्रस्तुत हो गए। वैसे वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का प्रवेश नहीं दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था कि रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण भागवतम इत्यादि से मैं कुछ कुछ बताऊंगा, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में है। और श्रील प्रभुपाद भागवतम में भी लिखते हैं इस बात को कि विवाह के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र का मिलन परशुराम जी से होता है। तो कहते हैं, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयुष भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी जिसका गौर वर्ण है, जो अपने शरीर पर मृग चरम धारण करते हैं, जिस समय क्षत्रिय राजा अपने कंधे पर एक तरकस रखते थे ना, परशुराम जी दो दो तरकस लेकर के घूमते थे। जिस समय क्षत्रिय गण, गेंद थोड़ा गेंद, जिस समय क्षत्रिय राजा अपने हाथों में एक आयुध रखते थे, परशुराम जी दो दो आयुध, एक में फरसू और एक में धनुष।
और धनुष बाण चढ़ाकर ही घूमते थे, जैसे कोई बंदूक का घोड़ा दबा करके ही घूमे ना, वैसे ही क्या पता कब चलाना पड़ जाए। तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड धड़ाम मार दिया, धनुष पर वाण चढ़ा करके घूमते थे। ऐसे परशुराम जी का ध्यान भंग हुआ और महाराज जनक जी के सभा में आ गए और परशुराम जी को देख कर कहते हैं, पीतु समेत कहि निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी को देखकर उस सभा के सारे राजा महाराजा कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। राम को मारने दौड़े थे, परशुराम को देखकर कांपने लगे। परशुराम जी वो हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार नक्षत्रीय किया। कितने बार? 21 बार। ये सारे क्षत्रिय राजा, कुछ कुछ तो धोती गीली हो गई, बैठे बैठे धोती गीली हो गई, कुछ को बुखार आ गया और कुछ लोग अपनी अपनी 10-10 पीढ़ी का नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज आपका फरसू चले ना, थोड़ा हमसे बचा करके, थोड़ा बगल में महाराज मुझे छोड़ दीजिएगा। और कुछ लोग सोचने लगे कि जब जनक जी कहे थे ना निज निज घर जाऊं, उस समय अगर चले गए होते तो अब तक पहुंच गया होता, कम से कम इस देवता के मुख तो नहीं लगना होता। और परशुराम जी सीधे जनक जी के पास मुड़, जनक तो जानता नहीं मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं, इतने सारे क्षत्रियों को क्यों एकत्रित किया है, अब तू शत्रु है मैं थोड़ी हूं। जनक जी ने कहा, महाराज बेटी का विवाह करना था, मेरी बेटी सीता का विवाह स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ था। विश्वामित्र जी ने जब देखा जनक जी इस प्रकार से बोल रहे हैं तो राम को आगे किया और जनक जी ने राम का परिचय कराया। परशुराम जी की दृष्टि राम के ऊपर जाते ही राम के बाजू में टूटा हुआ धनुष देख लिया। अब यह धनुष परशुराम जी का ही था। शिवजी ने परशुराम जी को दिया और परशुराम जी ने जनक जी को दिया कि आप देख रेख करना। अब कोई आपको बहुत महंगी गिफ्ट दे और दूसरे दिन आकर के देखे तो आप तोड़ करके बैठे तो कुछ कैसा लगेगा उसको, बताओ। पूरा क्रोध, अत्यंत क्रोधित हुए, कहते जनक जल्दी बता इस धनुष को किसने तोड़ा है, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे इस सभा से अलग करो, नहीं तो जनक जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती को छिन्न भिन्न उलट उलट कर रख दूंगा। अब जनक जी कैसे कहे कि भाई मेरे ही दामाद ने तो उसको तोड़ा है, बताओ कौन पिता अपनी बेटी को विवाह के ही दिन विधवा देखना चाहेगा। धर्म संकट में कुछ बोल नहीं पाए। भगवान रामचंद्र ने देखा कि मेरे ससुर जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए राम ने ही बड़े मृद भाषा में कहा, क्या नाथ शंभु धनु निहारा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, नाथ शंभु धन भंज निहारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केहु एक दास तुम्हारा, हो यही केहु एक दास तुम्हारा। बस इतना धीरे धीरे क्यों गा रहा है? अब भगवान श्री रामचंद्र एकदम धीरे धीरे मीठे वचन बोलते हैं और इनको धीरे से सुनने की आदत ही नहीं। एक एक शब्द 10-10 बार क्यों गा रहा है? भगवान रामचंद्र कहना चाहते थे कि नाथ इस शिव धनुष को तोड़े ऐसा कार्य तो आपका कोई दास ही कर सकता है ना। कितनी अच्छी बात है, देखिए कितने मर्यादा है, कितना शालीन है भगवान, इतना बड़ा कार्य किया है लेकिन प्रभु ये कार्य कौन सा कर सकता है, आपका दास। परशुराम जी कहते हैं दास वो है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाला दास नहीं, वो तो शास्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, जल्दी बता इस धनुष को किसने तोड़ा है। भगवान रामचंद्र इतना प्रेम से समझा रहे थे लेकिन परशुराम जी नहीं मान रहे थे। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास कहा, गुरुदेव
गुरुदेव आपने एक काम गलत कर दिया। क्या 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 गलत कर दिया? बोले आपने गलत आदमी के साथ गलत आदमी का परिचय करा दिया। ये सच को ना, ये मेरे टाइप का है, ये मेरे टाइप का है, मुझे जाने तो भी बताता हूं इसको। गुरुदेव इसका सारे प्रश्न का जवाब मेरे पास है, आप जाने दो ना। विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण के अलावा परशुराम जी का कोई प्रतिकार नहीं। विश्वामित्र जी ने राम को पीछे किया, लक्ष्मण जी को आगे किया। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने, और परशुराम जी की भभकती हुई क्रोध अग्नि में लक्ष्मण जी की प्रथम आहुति देते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी, बहुधन हितोरी लरकाई कब होना श्री सिकनी गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिवर, क्या कहते हैं, हे मुनिवर, जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे तो खेल खेल में हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली। उस समय तो हमें किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं डांटा, और आज एक धनुष टूट गया है तो इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। परशुराम जी पूर्ण क्रोधित, मूर्ख बालक, इस महान शिव धनुष को बच्चों की धनुइयां समझता है, इस महान सिंह धनुष को क्या बच्चों का खिलौना समझ रहा है, तू जानता नहीं है कि महान धनुष, ये धनुष कितना महान है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप यही जानना चाहते ना कि धनुष को किसने तोड़ा है। बोला हाँ हाँ, सच कहूँ ना महाराज, तो आपके प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब आपके ही प्रश्न में है। अद्भुत, तो परशुराम जी को भी फील कर ले। माता जी शांत हो जाइए, आप लोगों बैठ के सुनने में क्या दिक्कत है, बैठ जाइए वहीं पर, बैठ जाइए, दिक्कत है पांड पंडाल में बैठने में, बैठ जाइए। कुछ लोग इधर गप कर रहे हैं, बैठ जाइए सब लोग, सुनिए कथा। क्या कहते हैं, सच कहूं ना तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है, दूसरों से क्यों पूछ रहे हो। आप अभी क्या कहा आपने, ये महान शिव धनुष है, ये महान शिव धनुष है, ये महान शिव धनुष है, तुम्हारा समझ जाओ ना, जब ये महान शिव धनुष है तो धनुष को तोड़ने वाला और भी महान होगा। तो कहते ये धनुष को तोड़ने वाला महान नहीं है, आज इस धनुष को तोड़ने वाले के मौत के घाट उतार दूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है महाराज आप कौन है, आपके परिचय देने की जरूरत नहीं है महाराज। महाराज आप वही है ना जिसने अपनी माता का गला काटा था। महाराज आप वही है ना आपने जिसने अपने भाइयों का गला काटना हो। महाराज अगर किसी को अपनी माता का गला काटना हो, अपने भाई का गला काटना हो, तो आपसे तो ट्यूशन क्लास ले। परशुराम जी पूर्ण क्रोधित, इस बालक को यहां से लेकर के जाओ, आज इस बालक की मां को निपुती बना दूंगा, आज इस बालक की पत्नी को विधवा बना दूंगा, नहीं तो इसे लेकर के जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लो ना, मैं खुद निकल जाऊंगा आपके सामने से, बस। परशुराम जी बार बार धनुष बाण फरसु आगे चला रहे थे और कह रहे थे, ये फरसु चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा, मेरे हाथ से शस्त्र क्यों नहीं चल रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, सच कहूं महाराज, इसका जवाब है मेरे पास। बोले ये आपके निर्जीव अस्त्र शस्त्र समझ गए कि किसके ऊपर चलना है और किसके ऊपर नहीं चलना है, लेकिन महाराज आज तक आपको नहीं पता चला कि किसके ऊपर चलना है और किसके ऊपर नहीं चलना है। और मुझे मुझे तो इतना नहीं पता चल रहा है कि अरे आप तो साधु हो, आप तो सन्यासी हो। साधु और सन्यासी को तो वैराग्य शोभित करता है, साधु सन्यासी को वैराग्य शोभित करता है। साधु होकर विरक्त होकर धनुष में इतनी आसक्ति, अब परशुराम जी को आसक्त कहना ये तो मौत को निमंत्रण देने जैसा था। ये तो खुद भी आवाज कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहता है, लक्ष्मण परशुराम जी पूर्ण क्रोधित, आज मैं इसे मार डालूंगा, आज मैं इसे मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज ये बार बार फरसू दिखा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा, मुझे छोटा बच्चा समझा कि मैं डर जाऊंगा।
अब बार बार फरसू आगे कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं भयभीत हो जाऊंगा। सच कहूं ना महाराज, मैं आपके फरसू को नहीं, आपके अस्त्र शस्त्र को नहीं, मुझे तो आपका त्रिपुण दिखाई दे रहा है, मुझे तो आपके जनोई का धागा दिखाई दे रहा है, है ना, जनोई पहनते ना, जनोई का धागा दिख रहा है, त्रिपुण दिख रहा है महाराज। और मेरे रघुकुल की परंपरा है, किसी स्त्री के ऊपर, किसी बालक के ऊपर, किसी ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। अब बार बार युद्ध का निमंत्रण दे रहे हो, आपको युद्ध करने का इतना ही शौक है तो पहुंच दो अपने त्रिपुण को और तोड़ दो जनोई के धागे को, राजा और रणभूमि में फिर देखे कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। आओ परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान रामचंद्र ने देखा कि अब कुछ नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण को पीछे किया, राम आगे, और प्रेम से कहा, मुनिवर बच्चा है, बच्चे की बात पर ध्यान दें। ध्यान मत दीजिए, बच्चा है। लक्ष्मण के मुख में दूध है, बच्चा है, दूध है। तेरे भाई के मुख में दूध है, विष भरा है, विष। कौन कहता है दूध है, विष भरा हुआ है तेरे भाई के। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, तू इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला, बात भी करता है तो इतनी शांति से, और तेरा भाई है, देख देख अभी भी देख देख कैसे देख रहा है मेरे को। लक्ष्मण जी ऐसे करके एकदम देख रहे थे, क्रोधित होकर तिरछी निगाह से एकदम, कहते क्या कहते हैं उसको, कन्हुआ, क्या कहते हैं, कन्हुआ के देखना एकदम। लक्ष्मण जी घूर के देख रहे थे। मैं सच कह रहा हूं, आप लोग क्रोध मत दिलाओ, आप लोग क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव जाने दो ना, थोड़ा और उत्तर दे रहा हूं, मजा आ रहा है, थोड़ा जाने दो ना। लक्ष्मण विश्वामित्र जी भी आनंद ले रहे थे, कहा जाओ। लक्ष्मण आगे, राम पीछे। लक्ष्मण जी कहते, महाराज 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 आपने भी क्या कहा, क्रोध मत दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ। इसका मतलब यही हुआ ना महाराज की अभी तक आपको क्रोध नहीं आया जी। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही महाराज, एक प्रश्न हो रहा है कि जब आपको क्रोध नहीं आया और आप इतने लाल पीले हो गए महाराज, जब क्रोध आता होगा तो जलकर भस्म ही हो जाते होंगे ना। बस लक्ष्मण पीछे हुए, राम आगे हुए। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरा नाम राम है। परशुराम जी ने कहा, मेरे समान नाम रख लेने से तू क्या समझता है मेरे जैसे महान हो जाओगे। भगवान ने कहा, महाराज आपका नाम तो बहुत महान है, परशुराम, और मेरा नाम राम। केवल विप्र वंश के यसि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। आपको कौन डरा सकता है महाराज, आपकी बराबरी कौन कर सकता है। परशुराम और राम के बीच में इस प्रकार से संवाद हो रहा था, खिड़की से पवन आया, श्री रामचंद्र के वक्षस्थल से पीतांबर सरक गया, और परशुराम जी की दृष्टि राम के वक्षस्थल पर गई, और राम के वक्षस्थल पर श्री वत्स लक्ष्मी की रेखा देख लिया, भृगु ऋषि के चरण ने जिन्ह को देख लिया। परशुराम जी समझ गए, ओह मुझे कहीं अपराध हो जाता अगर पता नहीं चलता। परशुराम जी समझ गए, अरे ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति भगवान विष्णु इस धरती पर आ चुके हैं, समझ गए साक्षात भगवान हैं। श्री वत्स रेखा को देखकर परशुराम जी समझ गए, मैं किससे उलझ रहा था, ये तो भगवान है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से परशुराम जी बड़े भाव से, बड़े भाव में आकर कहने लगा, क्या जय राघुवंश बनज बन भानु, जय राघुवंश बनज बन भानु, जया सुरा भी प्रगनो ही
जय सुरभि प्रत्यनु हिरकारी जय सुरभि प्रत्यनु हिरकारी जय सुरभि प्रत्यनु परशुराम जी कहने लगे हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य हे राक्षस रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि के समान आपकी जय हे देवता ब्राह्मण और गायों के हित करने वाले आपकी जय हो प्रभु हे बद और मोह और क्रोध और भ्रम को हरने वाले ईश्वर आपकी जय मैंने अनजाने में आपको अनुचित कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करो प्रभु मुझे क्षमा प्रभु कभी कभी छोटा बालक अपनी माँ के गोद में होता है और कभी कभी वह बालक अपनी दूध पिलाने वाली माँ को ही लात मार देती है तो क्या माता उसे छोड़ देती है पटक देती है ठीक उसी प्रकार हम आपके बालक हैं प्रभु हम आपके संतान हैं हमसे यदि कोई गलती हो जाए अपराध हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिए कहीं जया जाया रघुकुल के तू कहीं जया जाया रघुकुल के ओ कहीं जया जाया रघुकुल के तू कहीं जया जाया रघुकुल के तू त्रिगुपति गाए गिरदाते हुए अनेकों बातों से क्षमा याचना करते हुए अनेक अनेक रूप से भगवान को मनाते हुए राम की जय जयकार करते हुए परशुराम जी जहां से आए थे वहां से तपस्या करने के लिए परशुराम जी वापस लौटे और वहां पर अयोध्या से महाराज दशरथ शत्रुघ्न और बहुत बड़ी बारात को बुलाया गया बहुत बड़ी बारात रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार भगवान सुंदर घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे बड़ी तैयारी थी महाराज चतुरंगणी सेना है यंग रक्षक है रथ है सब सजी हुई है लेकिन भगवान भगवान रामचंद्र के रथ को सबसे अधिक सजाया गया है लेकिन गजब की बात यह है कि एक ऐसा बारात है जिसमें दुल्हा ही गायब है पहले ही ससुराल में जाके बैठा है कहते हैं सबसे आगे आगे हाथों में लंबी लंबी भाले लिए हुए सैनिकों की टोली भरी मार्च में करती हुई चली जा रही है उसके पीछे पीछे हाथों के ऊपर हाथी के ऊपर तलवार लिए हुए कुछ हाथ में धनुष लिए सैनिकों की टुकड़ी चल रहे हैं पीछे पीछे मागद जन सूत जन जय जयकार करते हुए चल रहे हैं उसके पीछे पीछे सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसके पीछे पीछे नर्तकियां नृत्य करते हुए जा रही हैं उसके पीछे सारी व्यवस्था के ऊपर दृष्टि रखे हुए एक बड़े भारी स्वर्ण अश्वों से सुशोभित बड़े विशाल स्वर्ण रथ पर महाराज दशरथ सुंदर पोशाक पहनकर विराजमान महाराज दोनों तरफ छोटे छोटे रथों पर अंग रक्षक चल रहे हैं फिर धर्मगुरुओं का रथ चल रहा है रानियों का रथ चल रहा है सबसे पीछे चंद्राकार सैनिकों का रथ चल रहा है एक तरफ ऊपर वर्णन करते हैं कि अनेक प्रकार की पक्षियां बारात जा रही हैं। एक तरफ कोयलों की पंक्ति है एक तरफ गति की पंक्ति है महाराज दशरथ के उत्साह में कोई कमी नहीं हो जाए इसलिए ये पक्षियां सूर्य के ताप को कम कर रही हैं। मानो कोई पंडाल खींच दिया हो विभिन्न
प्रकार की पक्षियां आसमान में उड़ते उड़ते घोषणा कर रही है, सावधान सावधान सावधान, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की बारात आ रही है। इस बारात के ऊपर ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। कभी कभी धर्म गुरु ऐसे शंख वादन करते हैं जैसे अंतरिक्ष को भेद देते हैं। बारात जिस मार्ग पे जा रहा है उस मार्ग पे पहले से ही पानी की छिड़काव की जा रही है। दोनों तरफ हर गांव में सूचनाएं भेज दी जा रही है, अगर किसी गांव में किसी घर में किसी का शरीर छूटा है तो बाधकों को पहले सूचना दी जा रही है, बाधक बंद हो जा रहा है। रास्ते में यदि किसी को खाने की कमी है, चिकित्सालय की कमी है महाराज, ग्राम में विद्यालय की कमी है, तो महाराज दशरथ का रथ वहां पहुंचे उससे पहले उस गांव के दुख को दूर कर दिया जा रहा है। पूरी मर्यादा व्यवस्थित। बड़े सुंदर दोनों भाइयों को वहां पर सजाया गया, जनकपुर बारात पहुंची, बहुत सुंदर स्वागत किया और कुछ ही दिन पश्चात जनकपुर के एक मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह, महाराज जनक की चारों कन्याओं के साथ। माघ शीर्ष महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी के दिन भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण गीता में भगवत गीता में कहते हैं कि बारह महीनों में मार्ग शीर्ष महीना हो। सारे कार्य पहले होने चाहिए। विवाह हुई, बारात लगभग एक महीने तक जनकपुर में रुक गया। एक महीने रोज महाराज दशरथ विदा लेने के लिए जाते और जनक जी रोक लेते, आज नहीं कल। रहे राम का विवाह सीता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतवृत्ति के साथ। और विवाह हुए, एक महीना बीत गए भक्तों, और आज जनक जी अपनी बेटियों को विदाई दे रहे हैं और विदाई देते हुए कहते हैं क्या, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लाखी आयुष अनुसरे। कितना सुंदर शिक्षा है, सोने ना अपनी बेटियों को दे रही है कि बेटी यद्यपि तेरा विवाह राम के साथ हुआ है लेकिन सेवा केवल राम की नहीं पूरी परिवार की करनी है। एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय ऐसी शिक्षा देती है। शुरुआत कहां से करें, देखिए सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, किसकी किसकी सेवा करना, सास ससुर की। आज की मॉडर्न पत्नियां क्या कहती हैं, मेरा विवाह मेरे पति के साथ हुआ है, सास से ससुर से क्या लेना देना, दोनों को हटाओ घर से और नहीं तो हम लोग ही हटो, और कहते हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस नहीं है, पतन हो रहा है, पतन दुर्गति हो रही है। जनक दुरारी जनक लाडली को कहती है सास और ससुर की सेवा करना, पति रुखलाई लखी आयुष अनुसरे, और बेटा अपने पति की सेवा करना कैसे, तो पति के रुख को समझ करके। तो क्या पति के रुख को समझ करके सेवा करना, और क्या कहते हैं, हो ये हुसंतत पियही प्यारी चीरु यही बात आशीष हमारी, हे सीते जुग जुग जीवो, आशीर्वाद देता हूं कि सदैव तुम अपने पति की प्यारी रहो।
राम जी जनक जी के पास कहे और कहते राम करो के भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस राम तुम्हारी किस प्रकार से प्रशंसा तुम सारे गुणों के आधार हो। आज मैं अपनी बेटी को आपके हाथ सौंप रहा हूं। आपके घर में रहते हुए मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे मेरी गलती समझ करके मेरे संस्कार की गलती समझ करके भुला जाना मेरी बेटी को माफ कर। ये पिता है भैया पिता। पुरुष कभी रोता हुआ हंसता नहीं लगता। कभी भी कोई पुरुष रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिससे फिर उसके घर से उसकी बेटी जाती है ना पुरुष रोता हुआ ही अच्छा लगता है। रोता हुआ ही अच्छा लगता है। आज जनक जी रो रहे हैं। देवी सीता अपनी माता से कहती है माँ माँ आपकी कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं पति भी बहुत सुंदर मिले हैं। लेकिन माता जीवन में दुख बस इतना है कि मेरे चले जाने के बाद आप मेरे पिता का ध्यान रखना मेरे बाबा का ध्यान रखना। प्रसंग आता है पुरुष समय आने पर हंसता हुआ अच्छा लगता है और समय आने पर रोते हुए अच्छा लगता है। जनक जी रो रहे हैं। चारों दंपति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के बारात लेकर के लौटे हैं और कुछ ही समय में अयोध्या पहुंचे। तीनों माताओं ने अपने बेटों का स्वागत किया और अद्भुत कीर्तन किया। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। ऐसे स्वागत करते क्या सीताराम तुम्हारी जय जय हो। 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 अवधेश तुम्हारी जय जय देखिए ये इस कथा का अंतिम उत्सव है।
अंतिम उत्सव है, इसके बाद तो रोना है, मना लो अंतिम चांस। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए नाचने से, कोई भी व्यक्ति नहीं। काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे। अरे बच्चियों को भी नाचने दीजिए, आप लोग भी नाचो। मेरे घर का बहू नावे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, घर का बहू नाचो सभी लोग, मेरे घर का बहू नावे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, देख रहा हूं कि अंतिम से कोई नाच नहीं रहे, पीछे से कोई नाच नहीं रहे हैं। ध्यान रखिए, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है। कहां वर्णन है, कहां वर्णन है? पद्म पुराण में जब हम बैठे बैठे भगवान का कीर्तन करते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। नहीं समझ आऊंगा, खड़ा हो जाते हैं। और जब हम खड़े होकर भगवान का संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और जब हम खड़े होकर के नाचते हुए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान उछल करके हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अगर हृदय में भगवान को बसाना है तो गाइए क्या, सोए गई की खोए गई, सोए गई की खोए गई मैं, सोए गई की खोए गई मैं, सोए गई की खोए गई मैं, तू तो मधुर बजाए गए बांसुरिया मोहे, काहे को thank you.
वन गाय चरावत डोले वन वन गाय चरावत तोहे वन वन गाय चरावत डोले वन वन गाय चरावत तोहे वन वन गाय चरावत डोले वन वन गाय चरावत तोहे वन वन गाय चरावत वन गाय चरावत डोले वन गाय चरावत डोले तुतकारी तुतकारी ओले कामरिया मोहे काहे को काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे। आप लोगों को डांस नहीं करना है, इधर मैं कीर्तन बंद कर दूंगा। नाचना है कि नहीं नाचना है? नाचना है। कितने लोगों को नाचना है? इधर से नहीं, बेकार है। इधर इधर आप लोगों को नहीं नाचना है। माता जी लोग नाचना है, कुछ नाचना है कि नहीं? कुछ मत आए, सोच रहे हैं कि नाचिए कि नहीं। अरे भगवान के सामने नाचो, लाज शर्म बाद में आता रहेगा। अरे आप ऑडियो का तार संभालो, उसको चढ़ रहे लोग टूट जाएगा, साइड कर लो। हाँ वही बरक दीजिए। काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे दोनों हाथ ऊपर उठा करके दोनों हाथ ऊपर काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहु नावे सांवरिया ओए काहे को बहुना मेरे घर का बहुना पे सांवरिया सुन सुन मो कह रही हो न जावे सुन सुन मो के सुन मोके रहियो न जावे सुन सुन मोके रहियो न जावे सुन सुन मोके रहियो न जावे सुन सुन मोके रहियो न जावे चल हथ में बज पायलिया मोहे काहे को दरसावे घर का बहु नयायो सांवरिया काहे को दर्शाए
जी सब बाला रूप रसाला की सब बाला रूप रसाला में क्या दिखेगा कि लड़के कितने शर्मीले नाचते नहीं है नाचो बोलेंगे गौरांग आप बोलिएगा नित्यानंद क्या बोलेंगे और नित्यानंद बोलते हुए नाचना है उछलना है गौरांग नित्यानंद 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 Nityananda 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 Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Mujhe kabahu na aayo Shamariya Mohe ka hai Gotar Sar Ghar kabahu na aayo अब अपने अपने स्थान पर कृपया आप लोग सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें थोड़ा देर के लिए अपने अपने स्थान जब भी मताए हैं कृपया जगह लेकर के बैठ जाए और शोरगुल नहीं मचाना है अब बैठ जाइए हाँ शोरगुल नहीं मचाना है और जितने भी भक्त हैं देखिए कोई भी भक्त हल्ला नहीं करेगा नहीं तो फिर उपाधि मिल जाएगा किनका उपाधि मिल जाएगा जो हल्ला करता है उनको क्या कहते हैं तुरंत हम माइक में कहवाने लगेंगे इसलिए आप लोग हल्ला ना करें शोरगुल नहीं मचाना है नहीं तो फिर स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम बैक के स्वागत करिए अब खड़ा हो गया ताली बजाकर सभी भक्त जाएंगे मताई बहने सभी भक्त जाइए श्री राम स्वागतम श्री राम स्वागतम श्री राम
स्वागतम शरणागतम श्रीराम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम श्रीराम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम श्रीराम स्वागतम सुस्वागतम राम जी का स्वागत करिए बैठ जाइए अब चिड़िया बन के चहकने की जरूरत नहीं है हो गया हो गया सब लोग बैठ जाइए आप लोग बेटे पीछे जाके खड़ा रहो और नहीं तो बैठ जाओ इधर आके बैठ और खड़ा रहे पीछे जाके खड़ा रहे सामने ऐसे खड़ा रहना भद्र लगता है बैठ जाओ जाके तो अब भगवान रामचंद्र कहां पहुंचे हैं कहाँ पहुंचे अयोध्या पहुंचे बहुत सुंदर स्वागत हुआ मताए तेज हैं इस बात को समझने में कि कहाँ पहुंचे हैं अयोध्या में प्रभु जी लोग घबरा जा रहे हैं घबराइए मत आप लोग देखिए मताए भारी पड़ रही हैं नहीं तो फिर हरिनाम बुलवाएंगे पारा पारी ना तो फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है लेकिन अभी नहीं बुलवाएंगे स्वागत किया गया और भक्तों ऐसा वर्णन है कि महात्माओं के मुख से ऐसा सुना है कि राम सीता से विवाह करके आए और सबसे पहले अपनी माता कौशल्या के पास नहीं गए कहां गए कैकेयी के पास कैकेयी से राम बहुत प्रेम करते थे बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती है रामायण में वैसा वर्णन आया है राम और सीता सबसे पहले कनक भवन में गई कहां गई कनक भवन में आज भी अयोध्या में कनक भवन मौजूद है कैकेयी ने देखा कि सीता शालीन मर्यादा में है ऐसे वस्त्र पहने हैं सुंदर पूर्ण मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहने हुए थे और देवी सीता ने कैकेयी को प्रणाम किया सीता के मर्यादा पूर्ण वस्त्र को देख करके भाषा आदि को देख करके कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई इतनी प्रसन्न हुई आज मुंह दिखाई के रस्ते में क्या मिलता है बताओ माता जी एक रिंग 2-400 रुपए 1,500 रुपए नहीं देवी कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि कनक भवन ही दे दिया कि सीते तुम यहां रहोगी और मैं बाहर रहूंगी ये है देवी सीता की शालीन मर्यादा हमारी बहन बच्चियों के लिए छोटी सी शिक्षा वैसे आप तो मर्यादित हैं ही मैं छोटी सी शिक्षा कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार का कपड़ा पहने क्या फर्क पड़ता है आंखें ठीक होनी चाहिए ना बिल्कुल सही है आपने देखा है कि गर्मी के दिनों में लोगों को आंख आ जाती है देखा है एक बीमारी होती है आंख आ जाना और जब वो आंख आया हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को देखता है तो उसको भी आंख आ जाती है अब बताओ कि अगर हमारी माताएं बहनें और बेटियां भद्दे कपड़े पहन करके निकलेंगी और पुरुष उसको भद्दे नजर से काम वासना से देखेंगे तो क्या उनमें काम वासना और भद्दे विचार नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे जीवन मर्यादा पूर्ण होना चाहिए वैसे आप तो पालन करते हैं मैं देख ही रहा हूं
लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनके लिए है ना, ये जनरेटर चलेगा ऐसे पंडाल के पीछे ही जनरेटर, ऐसा कैसी व्यवस्था है। थोड़ा देखिए अगर बंद हो सके तो, ये जनरेटर आवाज कर रहा है बहुत। पंडाल के पीछे कैसे याद, उसे दूर रखिए। अब लोग जनरेटर की आवाज सुनेंगे कि भगवान की कथा सुनेंगे, वो अभी कुछ कथा ही कर रहा है पता नहीं। जीवन में मर्यादा होना बहुत जरूरी है भक्तों। आज हम लोगों के जीवन में मर्यादा बिगड़ा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारा जीवन बिगड़ गया है। कितना भी सुंदर गाड़ी हो लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी कोई नहीं। वैसे ही कितना ही सुंदर शरीर हो, रूप हो, लेकिन अगर मर्यादा नहीं तो शरीर और रूप कोई काम का नहीं। कोई आपको बहुत सुंदर BMW दे दे, मर्सिडीज दे दे, और आप चला रहे हो एकदम हाईवे पर चला रहे हो 100 की स्पीड में, देने वाले का फोन आया, कैसा है गाड़ी, जबरदस्त, कैसा है स्पीड, बहुत सुंदर कलर, बहुत सुंदर सीट, बहुत सुंदर स्टीयरिंग, कैसा है, बहुत सुंदर, अच्छा थोड़ा संभाल के चलाना, ब्रेक नहीं है। कैसा लगेगा, यही है मर्यादा पूर्ण जीवन नहीं होना। बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन कपड़े ढंग के नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी है, कभी भी फेल हो सकती है, कभी भी फेल हो सकती है ना। मर्यादा होना बहुत जरूरी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ऐसा महसूस कर रहा था, आप लोगों को भी शायद महसूस हुआ होगा कि कुछ सिगरेट या बीड़ी की धुआं यहाँ आ रही थी, ऐसा कुछ महसूस किया। ये अमर्यादा पूर्ण जीवन है। क्या है, भगवान ने ये शरीर हमें सिगरेट और बीड़ी का धुआं डालने के लिए अथवा गांजा का धुआं डालने के लिए नहीं दिया है, अथवा शराब डालने के लिए नहीं दिया है, ध्यान रखिए। और एक बात आपको बता दूं, आप लोगों को शायद पहले कभी कोई बताया हो या ना हो, लिख लो, यज्ञ क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। क्या कहते हैं कि अन्य जगह पर हम कोई पाप करते हैं ना तो वह तीर्थ क्षेत्र में खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति। अगर आप इस कथा पंडाल के नजदीक, इस कथा पंडाल में नशा करते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अथवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान रखिए ये कथा जो है ना, हजारों लोग देखने वाले हैं, और केवल भारत के ही नहीं विदेशों के भी लोग, मैसेज तो हर जगह जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करिए, है ना, सावधानी पूर्वक करिए। बंद करना है आगे बढ़ाना, अगर जनरेटर बंद होगा तो मैं बंद करूंगा, चलूंगा। तब तक आप लोग हरे कृष्णा करिए, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा